हेलो स्टूडेंट्स, माय सिस्टर द्विवेदी. आज हम करेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक में क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे. दिसंबर 2017 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट. स्टूडेंट, इसके बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. देखिए इसमें वो क्या बोला है, फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² + 8x + 9 फाइंड डेल्टा क्यूब एफ एक्स. ठीक है, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम डेल्टा क्यूब एफ एक्स निकालते हैं इसके लिए हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे सब इसे ऐसे हम डिफरेंस टेबल इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, इसमें हम करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स. ओके, ये इस तरीके से. ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ मैं करते भी जाऊँगी. देखिए ये हमारी इक्वेशन है, हमारा एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 6x² + 8x + 9. सबसे पहले मैं लिखूँगी एफ वन, एक्स की जगह मैं पुट क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, वन पुट कर रही हूँ. मतलब एक्स की जगह सबसे पहले पुट करेंगे वन, तो 1² + 8 1 + 9 कितना आ जाएगा, ये 6 1 6 8 1 8 मतलब 6 + 8 + 9 जो कि आएगा हमारा 23. ओके, अब इस तरीके से जब ये पुट किया तो एफ वन मतलब एफ एक्स कितना आ गया, 23 आ गया. अब मैं पुट करूँगी 2, एफ वन एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने, 2, तो 6 2² + 8 × 2 + 9 विच इज़ इक्वल टू 6 2 2 = 4 तो 6 4 = 24 प्लस 8 2 = 16 प्लस 9. जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 24 + 25 विच इज़ इक्वल्स टू 49. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 49. ओके, अब देखिए अब इसके बाद मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, 3 एफ थ्री. ठीक है, जब मैंने एफ थ्री पुट किया तो क्या आया, 6 × 3² + 8 × 3 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 6 3² = 9 और 9 6 ये हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, 3² = 9 ओके प्लस 8 3 = 24 + 9 ओके 3 3 = 9 एंड 9. देखिए 3 3 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 6 हमारा होगा 54 प्लस ओके 54 + 24 + 9 ये हो जाएगा हमारा 54 + 24 हम ऐड कर देंगे हो जाएगा 8 78 + 9 ओके 78 + 9 हमारा हो जाएगा 87. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 87. ओके स्टूडेंट, ये 87 आ गया. और जब हम एफ फोर पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह 4 तो क्या आ जाएगा, 6 × 4² = 8 यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 4 + 9 जो कि आ जाएगा 6 4² = 16 + 8 4 = 32 + 9 तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 96 प्लस 32 प्लस 9 कर देंगे, 96 प्लस 32 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 41. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 137. ओके स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू होगी 137. अब देखिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा एफ एक्स, उसके बाद हमारा सेकंड वाला क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, एंड जो हमारा थर्ड वन होता है क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स होता है. ओके, तो अब देखिए डेल्टा एफ एक्स हमारा कैसे निकलता है स्टूडेंट, इसमें से इसको लेस, इसमें से इसको लेस, इसमें से इसको लेस. ठीक है, तो हम 49 में से 23 को लेस करेंगे तो हमारा आएगा 26, तो इसके मिडिल में हमारा आ जाएगा 26. ओके, जब हम 87 में से 49 लेस करेंगे तो आ जाएगा 17 - 9 विच इज 17 - 9 दो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 8 7 - 4 गया, यहाँ आ जाएगा 38. ओके, और 137 में से 87 लेस करेंगे, 137 में से 87 लेस करेंगे तो 13 में से 8 गया विच इज़ इक्वल्स टू
5, ये आ गया हमारा 50, ओके। और जब इसमें से ये लेस करेंगे तो वो यहाँ आएगा, और इसमें से ये लेस करेंगे यहाँ आएगा, तो 38 में से अब हम क्या कर देंगे 26 लेस करेंगे, ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12, आइए 50 में से हम 38 लेस करेंगे, ओके 38, तो 10 माइनस 8 इज 2 एंड ये आ जाएगा 12, और 12 माइनस 12 करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0, तो हमारा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। आई होप स्टूडेंट ये हमें आपको क्वेश्चन हमें क्या निकालना था, सॉरी डेल्टा क्यूब, हमारी डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, डेल्टा क्यूब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स हमारा आ गया स्टूडेंट 0। और इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बहुत ईजी था, आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रही है सो डैट वो भी अपने आपके एग्जाम में पास हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, थोड़ा सा मेरे को लेट हो जाता है रिप्लाई, मीन्स आपके वीडियोज़ बनाने के लिए स्टूडेंट मेरे पास और भी काम से होता है, आई एम वर्किंग ऑल्सो, मैं जॉब भी कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।